इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कंसेप्ट ऑफ फुली डिफाइंड स्केच। फुली डिफाइंड स्केचेस वो स्केचेस होती हैं जिन स्केचेस को हम सारी डायमेंशंस दे देते हैं। तो देखते हैं किस तरह से हम एक स्केच को पूरी डायमेंशन दे पाते। तो सबसे पहले हम एक प्लेन ले लेते हैं, उस पर स्केच बनाते हैं। तो जानते हैं विद एन एग्जाम्पल ऑफ रेक्टेंगल के साथ। ये रेक्टेंगल आपका, जैसे आप एक रेक्टेंगल बना लेते हैं तो देखिए आपको ये रेक्टेंगल शो करता है यहाँ से कि दिस इज, ये लाइन जो है इसमें रिलेशन लगे हुए हैं, इसमें ये जो लाइन बता रही है ये हॉरिजॉन्टल रहेगी, वर्टिकल रहेगी। इसका मतलब अगर मैं इसको यहाँ से खींचूँ तो ये यहाँ से एक्सटेंड हो जाएगा, ये मैं इसको ऊपर खींच रहा हूँ तो ये ऊपर से एक्सटेंड हो रहा है। नाउ जैसे ही मैं इसको डायमेंशन दे देता हूँ, मान लो स्मार्ट डायमेंशन ये रही आपकी, मैं इसे पहले डायमेंशन दे देता हूँ ये, ओके। अब इस सिचुएशन के अंदर अभी ये इस जगह से नहीं खींचेगा। अब देखें यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं इसको यहां से एक्सटेंड करना चाहूँ, इसका मतलब ये है ये अपनी पोजीशन छोड़ रहा है बट डायमेंशन नहीं। इसका मतलब ये इसकी ये जो डायमेंशन है दिस, ये आपकी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन बन गई है। इसी तरह से मैं इसकी वर्टिकल डायमेंशन को भी बांध देता हूँ। इस सिचुएशन के अंदर जो डायमेंशनली रेक्टेंगल को जरूरत है वो सारी डायमेंशन मिल चुकी है। अगर आप देखें मैं इसको यहां खींचना चाहूं तो ये तो भी अपनी डायमेंशन को नहीं छेड़ रहा है, ये देखिए। नाउ इस सिचुएशन के अंदर अगर आप देखें आप, तो अगर मैं यहां से एक बार और इस डायमेंशन इसको भी देना चाहूं, क्योंकि देखिए अगर यहां पर रिलेशन लगा हुआ है, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब जो लेंथ इस डायमेंशन इस लाइन की है वही लेंथ इस लाइन की होगी, और जो लेंथ इस लाइन की है वही लेंथ इस लाइन की होगी। अगर अब मैं ये डायमेंशन देना चाहूंगा, इट टर्न्स इनटू येलो कलर, ये बता रहा है कि ये जो ओवर डिफाइंड स्केच होगी है, इस सॉफ्टवेयर को ये ऑलरेडी पता है कि ये जो स्केच है ये जो लाइन है ये इतनी डायमेंशन की है। नाउ अब इस डायमेंशन को, अब इस स्केच को हमें फुली डिफाइन करने के लिए आप हमें इसको ये बताना है कि ये यूसीएस, ये जो आपका ज्योमेट्री है ये इस आपके यूसीएस से कितनी दूरी पर है। तो इस सिचुएशन के अंदर आप इस कोऑर्डिनेट को आप बताओगे कि ये कोऑर्डिनेट पे लाई कर रही है या कोऑर्डिनेट से पर्टिकुलरली कितनी दूरी पर है। सबसे पहले क्लिक कर रहा हूं मैं, बता इस ये और ये यहां से इतनी दूरी पर है, ओके, और हॉरिजॉन्टली आपने बता दिया है। इसी तरह से आप बताएंगे इसको कि वर्टिकली कितनी दूरी पर है। आप जैसे ये डिस्टेंस बता देंगे दोनों चीजें तो ये बेसिकली काला हो जाएगा। तो ये बताते हैं कि, और यहां पे देखें तो यहां पे लिखा आ रहा है फुल्ली डिफाइंड, इससे पता लग जाता है कि जो ये जो स्केच है इस समय फुल्ली डिफाइंड हो चुकी है। इसी तरह से अगर मैं एक सर्कल बना रहा हूं, सबसे पहले आप एक ज्योमेट्री बनाएंगे, ज्योमेट्री की डायमेंशन देंगे और फिर उसकी पोजीशन बताएंगे कि वो बेसिकली किस पोजीशन पर, उसकी एक्स वाई पोजीशन क्या है। तो सबसे पहले मैं इसको एक डायमेंशन दे रहा हूं, नाउ हियर दिस इज, इसको डायमेंशन मिल गई है और मैं ये चाहता हूं कि ये यहां से कितनी दूरी पर है इसको बताने के लिए। तो मैं यहां से बता रहा हूं दिस इज माय, अगर आप देखें तो एक दूरी बता रहा है, एक्स एक्सिस बता दिया एक्स, और इसी तरह से हम ये बता रहे हैं कि ये वाई डिस्टेंस में कितनी दूरी पर है। देखिए ये भी इस समय काला हो चुका है, इसका मतलब इसको भी अपनी पूरी की पूरी डायमेंशन और लोकेशन क्लियर होगी। तो बेसिकली जब भी हम फुली डिफाइंड स्केच करते हैं तो सबसे पहले हम स्केच की डायमेंशन देते हैं और फिर उसकी एक्स वाई डायमेंशन देते हैं। जैसे कि यहां पर आपने देखा कि रेक्टेंगल, पहले हम रेक्टेंगल की डायमेंशन दी और उसको बेसिकली इस पोजीशन से बाइंड किया कि इसकी एक्स और वाई पोजीशन कितनी दूरी पर है। अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल, अब हम एक और नया एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी चीज पे, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। नाउ सबसे पहले हम रेक्टेंगल बना लेते हैं, ये एक रेक्टेंगल आपका बन गया है। और अगर आप इस रेक्टेंगल को पहले ही आप कंट्रोल प्रेस पॉइंट कर रहा हूं और कंट्रोल प्रेस करके इस पॉइंट से क्लिक कर रहा हूं और इसको इस पर कंसाइड कर देते हैं तो ये बताया है कि अब सिर्फ आपको लेंथ और इसको एक्स वाई पोजिशन पहले से मिल चुकी है। अब इस सिचुएशन के अंदर आपको सिर्फ इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन देनी है। मैं इसको कह देता हूं दिस इज 100 एंड दिस इज 200। देखिए और पूरी तरह काला हो गया तो इसका मतलब इसको पूरी डायमेंशन मिल चुकी है। और नाउ इसी तरह से मैं यहां पे एक सर्कल क्रिएट कर रहा हूं, मैं सर्कल थोड़ा बाहर बना रहा हूं और मैं चाहता हूं ये सर्कल जो है ये इसके बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूं, देखिए आप
सबसे पहले इसको समान डिमेंशन से हम डिमेंशन दे रहे हैं, लेट दैट 40. नाउ इसको बीच में आने के लिए, इस पोजीशन पर लेके आने के लिए, आप सबसे पहले इसको डायमेंशन मिल चुकी है, अब इसकी पोजीशन को लोकेट करना है. पोजीशन लोकेट होगी जब इसके एक्स और वाई पता लग जाए. एक्स और वाई हम इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से हम इसके दे सकेंगे. स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ, यहां से लेकर इसको सेंटर पे आने के लिए अगर आप देखें तो सेंटर का जो डिस्टेंस होगा, अगर ये लाइन 200 है तो सेंटर 100 पे आएगा. तो यहां पे मेंशन कर रहा हूं मैं ये 100 हो जाए, तो ये बिल्कुल आप देखिए 100 पर आ गया है. इसी तरह से अगर आप वर्टिकल डायमेंशन भी क्लिक कर रहे हैं, अगर ये 100 है तो ये सेंटर पे आने के लिए जो इसको रिक्वायरमेंट है दैट विल बी 50. अगर आप इसको 50 दे देंगे तो ये बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा. तो देखिए बिल्कुल सेंटर में आ गया है. सो इसी तरह से हम बाकी स्केचेस को भी फुली डिफाइन करेंगे. फुली डिफाइन स्केचेस को लेकर ही हम आगे सॉलिड वर्क्स पर काम करते हैं. तो ध्यान रखिए जब भी आप कोई स्केच बनाएं उसको फुली डिफाइन करें. फुली डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको ज्योमेट्री की डायमेंशन देने की जरूरत होती है और उसके बाद आपको उसको लोकेट करना होता है वो एक्स और वाई में कहाँ पर लोकेट होगा.